न्यूज़ सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग बेटी ने कुल्हाड़ी से वार कर की माँ बाप की हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एक हैरान करने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग बेटे ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पहले तो जिसने भी सुना उसे विश्वास नहीं हुआ। यह हत्या लड़कों से बात करने को लेकर हुई है। बुलंदशहर के थाना शिरकापुर क्षेत्र के मोहल्ला लाल दरवाजे में बीती 14 मार्च की रात माँ बाप को मौत की नींद सुला देने वाली कातिल बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंपत्ति हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्यारी नाबालिग बेटी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद उसके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पिता द्वारा की गई पिटाई के बाद क्षुब्ध होकर बेटी ने माँ बाप का कत्ल कर दिया। नाबालिग बेटी ने दूध में नशे की गोली खिलाकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद मृत दंपत्ति घर के बाहर सोए हुए थे। इसके बाद नाबालिग बेटी ने कुल्हाड़ी से सिर में वार कर अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। वही एसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जब हमारे हत्यारोपी बेटी से बात की तो उसका कहना था कि वह कुछ लड़कों से बात करती थी, जिसका उसके पिता वो माता को विरोध करते थे और वह इस वजह से उसको मारते पीटते थे। उसने पहले भी अपने माता पिता को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। इस बार उसका मौका लगा और अपने माँ बाप को खाने के नशे में गोली मिलाकर बेहोश कर दी और साथ में हत्या भी हो गई। वहीं पुलिस ने अब हत्या करने वाली नाबालिग बेटी को अरेस्ट किया है। फिलहाल लड़की को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पंजाब के इस इलाके में छिपा है अमृतपाल। 50 गांव में ड्रोन से सर्च जारी, अमृतसर भागने की फिराक में। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश पिछले 13 दिनों से लगातार चल रही है। पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पर उसकी तलाश में जुटी है। इसी बीच खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह और उसका आका पापलप्रीत सिंह ने एक बार फिर होशियारपुर शहर के पास एक गांव में पंजाब पुलिस को चकमा दे दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल समेत 3 लोगों के एक साथ इनोवा गाड़ी को पुलिस ने मंगलवार की रात नाके पर रोका, लेकिन वे अंधेरे में भागने में सफल हो गए। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल इनोवा गाड़ी में था, जिसे छोड़ वो स्विफ्ट कार में बैठा और अपने साथी के साथ फरार हो गया। होशियारपुर हगवाड़ा रोड स्थित मेनिरिया गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पंजाब पुलिस सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार की तलाश में जुटी है। गाड़ी की आखिरी नंबर 9168 मिला है। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसकी तलाश चल रही है। हालांकि 28 घंटे से ज्यादा समय बीते जाने के बाद भी उसके हत्थे अमृतपाल नहीं चढ़ा। पुलिस होशियारपुर समेत 50 से ज्यादा गांव में छापेमारी कर रही है। मनोरिया गांव और पास के इलाकों में पुलिस ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन जिलों के ग्रामीण इलाके में हर आने जाने वाले पर खास निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से खेतों और घरों पर सर्च किया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल अभी भी बहुत दूर नहीं निकला है और आसपास के गांव में ही खेत में छुपा हो सकता है। भिवानी में दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी, एटीएम से निकाले 28,000 रुपए। भिवानी में कस्बा लोहारू में एक दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी करके करीब 28,000 रुपए बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया है। दंपत्ति ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात खिलाफ धोखाधड़ी व चोरी का धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस की शिकायत को लोहारू के वार्ड नंबर 4 निवासी मधु ने बताया कि लोहारू स्थित एक बैंक में उसका खाता खुलवा रखा है। गत 28 मार्च की दोपहर 11 बजे वह अपनी पति के साथ एटीएम से रुपए निकालने के लिए गई थी। वे एटीएम से रुपए निकाल रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें एटीएम मशीन खराब होने के बारे में कहा। इसके अलावा उन्हें दूसरी मशीन से रुपए निकालने के लिए कहा। वे उस व्यक्ति की बात में आकर बैंक में से रुपए निकालने चले गए। जब वे बैंक में पहुंचे तो उसके खाते में से 27,633 रुपए निकालने का मैसेज प्राप्त हुआ। दंपत्ति ने एटीएम पे जाकर उस व्यक्ति को तलाशने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने अपने स्तर पर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली व चोर की तलाश की, लेकिन उनके हाथ इस संबंध में कोई भी सुराग नहीं लगा। महिला ने पुलिस
को शिकायत दी है कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने लोहारो थाने में केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही में जुट गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।